brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। साइंस फिक्शन की दुनिया में पैरेलल वर्ल्ड या अल्टरनेट रियलिटी की बात होती है। अल्टरनेट रियलिटी का सिद्धांत कहता है कि एक ही समय में हमारी दुनिया की कई कार्बन कॉपीज ब्रह्मांड के अलग अलग आयामों में फल फूल रही हैं। सोचकर देखिए कितना दिलचस्प लगता है कि कहीं एक दुनिया होगी जहां सब कुछ यहां जैसा होगा। बस लल्लन टॉप शो टाइम पर आता होगा और टाइम होगा सुबह के 9 बजे। आप सोच रहे होंगे कि आज गलती से साइंसकारी चल गया। नहीं, आप लल्लन टॉप शो ही देख रहे हैं और हम साइंस फिक्शन की बात इसलिए कर रहे हैं कि हमें भी समझ नहीं आ रहा कि हम कौन से भारत में हैं। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड के अलग अलग आयामों में अलग अलग भारत हैं। हम रोज सोने जाते हैं और एक नई डायमेंशन में जागते हैं। ठीक एक हफ्ते पहले हम भारत की विदेश नीति का हासिल आपको बता रहे थे कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक सब भारत की तरफ देख रहे हैं, एक से बढ़कर एक सफलताएं। श्रीलंका चीन की तरफ झुकता जा रहा था, लेकिन मुश्किल वक्त में भारत ने मदद का हाथ बढ़ाकर संभल दिया। नेपाल लिपुलेख सीमा विवाद की कड़वाहट पीछे छूट रही है। बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर के बीच रेल लाइन का उद्घाटन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA पर दस्तखत कर दिए हैं। बीते 10 सालों में यह पहली बार है कि भारत किसी विकसित देश के साथ व्यापार समझौता कर पाया। भारतीय उद्यमियों के लिए ऑस्ट्रेलिया के बाजार में लगभग सारी रुकावटें दूर हो गई हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कूटनीति की दुनिया में ही अच्छा काम हो रहा है, कुछ और उपलब्धियां हैं देश की, उन पर भी गौर कर लीजिए। 3 अप्रैल को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी द्वारा निर्मित 6 रेफरेंस मटेरियल लॉन्च किए। रेफरेंस मटेरियल के लिए रसायनों के सबसे शुद्ध प्रकार की जरूरत पड़ती है, जो बहुत दुर्लभ होता है। इनका इस्तेमाल डोपिंग की जांच करने के लिए होता है। अब तक भारत कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से इन्हें मंगाता था, लेकिन वैज्ञानिकों ने मेहनत की और भारत आत्मनिर्भर हो गया। पीयूष गोयल ने रेल मंत्री रहते हुए ऐलान किया था कि दिसंबर 2023 तक भारतीय रेल के पूरे नेटवर्क को विद्युतीकृत कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक लाइन हो जाएगी। तब कहा गया कि यह लक्ष्य कुछ ज़्यादा ही ऊंचा है, लेकिन 3 अप्रैल को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारतीय रेल का 80% नेटवर्क विद्युतीकृत हो गया है। 13,000 किलोमीटर का काम बाकी है और भारतीय रेल ने कोरोना काल में भी सालाना 6,000 किलोमीटर से ज़्यादा तार खींचा। इसका मतलब ये हुआ कि 2023 वाली डेडलाइन तक काम वाकई पूरा हो सकता है। भारतीय रेल डीजल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। विद्युतीकरण के बाद भारतीय रेल खरबों की विदेशी मुद्रा बचाएगा। लेकिन इन सारी उपलब्धियों पर गर्व करते हुए जब हम 3 अप्रैल की रात सोते हैं और 4 अप्रैल की सुबह लगता है किसी नए आयाम में उठते हैं, जब पिछले आयाम वाले भारत में प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा दोनों देशों के बीच रेल लाइन को हरी झंडी दिखा रहे थे, जोड़ने का काम कर रहे थे, तब इस नए आयाम वाले भारत में आग लगी हुई थी। जगह राजस्थान का करौली। एक मोटरसाइकिल रैली निकलती है। गुड़ी पड़वा का पावन मौका है, माने नए साल का पहला दिन। बाइक सवारों ने भगवा झंडे हाथ में लिए हैं, वही भगवा जो धर्म का शाश्वत प्रतीक है। लेकिन यात्रा में सिर्फ शाश्वत प्रतीक ही नहीं है, डीजे भी है। देखिए, कॉपीराइट का चक्कर ना होता तो हम आपको गाना भी सुनवा देते जो इस डीजे में बज रहा था। गाने के बोल आपको बता देते हैं। टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। अब ये कौन से राम हैं जो जबरन अपनी जय बुलवाएंगे? क्योंकि हम जिस राम को जानते हैं वो तो विनय की, करुणा की मूर्ति हैं। हाँ, राम को क्रोध आता है। क्रोध आता है तब तुलसीदास जी लिखते हैं, विनय न मानत जलत जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। सबने भय बिनु होय न प्रीत याद कर लिया, लेकिन पहली पंक्ति पर कितनों ने ध्यान दिया, विनय न मानत जलत जल, विनम्रता। ये कौन सा धर्म है जो इस तरह की गुंडई करता है? धर्म तो गुंडई नहीं करता है, तो क्या धर्म के कुछ व्याख्याकारों ने ये काम अपने सर ले लिया है? आप तय करिएगा कि इस तरह के भजन धर्म की किस तरह से मदद कर रहे हैं। इस तरह के भजन भद्देपन की स्केल पर 0 से 10 की रेटिंग में कहाँ ठहरेंगे? इस तरह के गाने धर्म का कौन सा स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, दर्शक तय करें। वीडियो को आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि भीड़ पर पत्थर भी गिराए गए। इसके बाद मोटरसाइकिल रैली में शामिल लोगों ने भी पथराव किया। अब जिन्होंने पत्थर गिराए उन्होंने कौन सी महानता का काम किया? क्या वो इस देश के कानून से ऊपर हैं? और फिर पत्थर के बाद दोनों तरफ के बदमाशों के बीच संघर्ष हुआ और नुकसान किसका हुआ?
उनका जिनकी इस फसाद में कहीं कोई भूमिका नहीं थी। दुकानें और गाड़ियां जलाई गई, दुकानों में लाख का काम होता था तो ये धू धू कर जलने लगी। जब तक दुकानें जलती तब तक भी गनीमत थी। इसके बाद मकानों ने आग पकड़ ली। एक मकान में से चीख पुकार की आवाज आ रही थी। 3 महिलाएं और 4 साल का एक बच्चा अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे। तब राजस्थान पुलिस के जाबाज कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा जलते मकान में घुसे, सबको सुरक्षित बाहर लेकर आए। एक कपड़े में लिपटे बच्चे को लेकर आग की लपटों के बीच से दौड़ लगाते कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा की ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि करौली में अगर वो पागलपन था कि दंगा हो गया, तो वो बहादुरी भी थी जिसने 4 मासूमों की जान बचाई। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्हें कांस्टेबल नेत्रेश से बात करते हुए सुना जा सकता है। सीएम ने बहादुर कांस्टेबल को बताया कि उनको प्रमोट करके हेड कांस्टेबल बनाया जाता है। इस बातचीत का ये हिस्सा जरूर सुनिए, सुनने लायक है, जिसमें नेत्रेश तारीख के जवाब में बस इतना कहते हैं, सर ये मेरा दायित्व था, कर्तव्य था, ड्यूटी थी। तो हमने तय किया आपको कांस्टेबल हेड कांस्टेबल बनाने का निर्णय किया है, तो मैंने कहा मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ड्यूटी थी सर मेरी जो मैंने निभाई थी। ड्यूटी तो कई लोगों की होती है, पर जान को हथेले में रख करके जिस प्रकार आपने इसको अंजाम दिया है वो तारीफ के काबिल है और बहुत साहस दिखा है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कभी जयपुर आओ तो मिलेंगे आपसे, ठीक है? ठीक है सर। उम्मीद की इस तस्वीर पर पूरे भारत को गर्व है, लेकिन करौली की घटना को ये ढक नहीं पाती। 2 अप्रैल को जब तक पर्याप्त संख्या में पुलिस बल पहुंचा तब तक 2 दर्जन लोगों को चोटें लग चुकी थी। कर्फ्यू तत्काल लगाया गया, इंटरनेट सेवाएं रोकनी पड़ी, 650 पुलिस जवानों को करौली भेजा गया और नेता वो अपने काम पर लग गए, बयान दे रहे हैं। सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक बयान जारी किया, सुनिए। ये आग लगाने के लिए आते हैं, पूरे देश में आग लगा रहे हैं, आए आग लग गई, ये ऐसा माहौल बना रहे हैं आप। और वो देखिए प्रधानमंत्री है, हिंसा किसी तरह की हो, घरेलू हो या पब्लिकली हो, प्राइम मिनिस्टर ये संदेश दे हिंसा को भारत सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये माहौल अच्छा हो सकता है, ठीक हो सकता है, सद्भावना का हो सकता है, वो चाहते नहीं है। गहलोत की बात का जवाब देने राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पुनिया आए, उनकी बात भी सुन लीजिए। करौली की आज की घटना एक बार फिर से राजस्थान की कानून व्यवस्था को शर्मसार करती है, उस पर सवाल खड़े करती है। नव संवत्सर पर बाइक रैली के ऊपर जिस तरीके से पूर्व नियोजित हमला हुआ और उसमें कई लोगों को घायल होना पड़ा, आगजनी हुई, पथराव हुआ, ऐसा लगता है कि इतनी देर तक अपराधियों को पकड़ में नहीं आना ये कांग्रेस पार्टी के सीधे सीधे अपराधियों को संरक्षण और उसकी तुष्टिकरण की परिणाम है। ताजा अपडेट ये है कि 46 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए, 7 हिरासत में हैं, हिंसा में हुए नुकसान का हिसाब लगाया जा रहा है, कम से कम 1.5 दर्जन दुकानें पूरी तरह खाक हो गईं, करौली को किला बना दिया गया और सशस्त्र पुलिस की टुकड़ियां सड़कों पर उतार दी गई, ड्रोन से निगरानी चल रही है और वरिष्ठ IPS अधिकारी शहर में कैंप किए हुए हैं। इस हिंसा ने मार्च के आखिरी हफ्ते में PFI की तरफ से जारी खत को भी वापस चर्चा में ला दिया। इसमें PFI ने कहा था कि 2 से 4 अप्रैल तक देश के अलग अलग हिस्सों में रैलियां निकलेंगी, जिसके बाद धार्मिक उन्माद फैल सकता है। जब खत था तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई PFI पर और इस तरह की मैसेजिंग पर? दूसरा प्रसंग गोरखपुर का, तारीख बदल लीजिए, 2 अप्रैल से 3 अप्रैल पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, CM सिटी। IIT बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ा एक शख्स रात को गोरखनाथ मंदिर के गेट पर पहुंचा। इसके बाद उसने धारदार हथियार से वहां तैनात पुलिस के जवानों पर हमला किया और धार्मिक नारे लगाने लगा। गनीमत थी कि पुलिस के जवानों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इस हमलावर को काबू कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस शख्स का नाम अहमद मुर्तजा है, गोरखपुर का ही रहने वाला है, मुंबई की प्राइवेट कंपनी में काम करता था, बीते साल नौकरी गई तो गोरखपुर लौट आया। पुलिस मुर्तजा को लेकर जानकारी जुटा रही और इसके लिए मुंबई पुलिस की भी सहायता ली जाएगी। मुर्तजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हमले को नाकाम करने वाले बहादुर पुलिस जवानों को 5 लाख का इनाम भी दिया गया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पूछताछ के दौरान मुर्तजा बार बार कहता रहा कि मैं चाहता हूं कि मुझे कोई गोली मार दे। सोचने वाली बात है कि अगर मुर्तजा अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। ये कौन से मुर्तजा हैं,
जो अपने ईश्वर की, अपने अल्लाह की महानता बताते हुए किसी की जान लेने की कोशिश करते हैं, हिंसा करते हैं। शुरुआती जांच के बाद इस मामले को एक आतंकी हमला माना गया और आगे की जांच एसटीएफ को दे दी गई है। करौली और गोरखपुर की घटनाएं बताती हैं कि देश में युवा किस राह पर चल रहे हैं। हमारे सामने मेरठ का उदाहरण भी है, जहां संगीत सोम सेना के कार्यकर्ताओं ने बिरयानी का ठेला पलट दिया, बहाना नवरात्र का बनाया गया, लेकिन जब बिरयानी सड़क पर बिखरी तो उसमें सिर्फ सोयाबीन निकला। नवरात्र को देखते हुए बिरयानी वाले ने वेज बिरयानी बनाई थी, इसके बाद भी बवाल हुआ। इस मामले में भी जांच चल रही है। फिर हमारे सामने राज ठाकरे का बयान आता है, कहते हैं मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटे तो वो मस्जिदों के सामने जाकर हनुमान चालीसा बजा देंगे। हमारे सामने यति नरसिंहानंद का उदाहरण भी है, हेट स्पीच के एक मामले में बेल मिली, बाहर आए और फिर से नफरती बयान दे डाला, हिंदुओं को हथियार उठाने की सलाह दे रहे हैं। यति से आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने रजौरी के मौलाना का बयान आता है, वो लोगों को याद दिला रहे हैं कि उनकी कौम ने 800 साल भारत पर राज किया। मौलाना भूल गए कि फिलहाल भारत पर जनता का राज है, ना कि किसी धर्म का। ऐसे में चुनौती देने का तुक क्या है, क्या इससे माहौल नहीं बिगड़ेगा? अब आप ही बताइए, हम किस भारत में हैं? उस भारत में जो सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा, लंबी छलांग लगा रहा है, या उस भारत में जो रोज सांप्रदायिकता की बेड़ियों में उलझता जा रहा है? भारत के संविधान निर्माता दूरदृष्टा थे, इसलिए उन्होंने जब मूल कर्तव्यों की बात की तो उसके अनुच्छेद 51AH में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी शामिल किया। संविधान निर्माता चाहते थे कि जिस तरह विज्ञान की दुनिया में प्रयोग करके अनुभव हासिल किया जाता है और पुख्ता प्रमाण के आधार पर ही कोई सिद्धांत दिया जाता है, उसी तरह हम नागरिक अपने जीवन के फैसले लें, नए विचारों का स्वागत करें, बदलावों से डरे नहीं। इस तरह पूरे समाज में वैज्ञानिक चेतना आती जाएगी, अच्छा नतीजा देने वाली चीज़ें जुड़ती जाएंगी और कुरीतियाँ या रूढ़ियाँ दूर होती चली जाएंगी। 72 साल से ये सबक हमारे पास है और हजारों वर्षों की वैज्ञानिक विरासत भी है। बावजूद इसके भारत में विज्ञान और इनोवेशन की खदान माने जाने वाले कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है वो भी हम आपको नियमित रूप से लल्लन टॉप शो में बता रहे हैं। कभी हिजाब पर विवाद, कभी दरगाह और शिवालय के विवाद, कभी हलाल और झटके का विवाद, और कभी आर्थिक बॉयकॉट का आह्वान। आज लल्लन टॉप शो देखने के बाद सोचिएगा कि आप किस भारत में रहना चाहते हैं। आप सोचेंगे तभी हुक्मरानों को फर्क पड़ेगा, और हुक्मरानों पर हर बार दोष क्यों ने? कौन है ये समाज? हम और आप हैं ये समाज। ये था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। जी, टाइम ट्रेवल और पैरेलल यूनिवर्स की बात करते करते हमारी टाइमलाइन भी आज पलट गई है। पेट्रोल डीजल का भाव हलाल मोड में बढ़ रहा है, धीमे धीमे जनता की जेब कचोटी जा रही है। आज फिर पेट्रोल डीजल 40-40 पैसे बढ़ गया, पिछले 2 हफ्तों में 12वीं बार दाम बढ़े हैं। देखते देखते पेट्रोल डीजल करीब 8.40 रुपये महंगा हो चुका है। भारत में तेल का दाम तब बढ़ रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरने लगे हैं। सोमवार की सुबह भी इस बाजार में कच्चे तेल के दाम 0.8% कम हुए। पेट्रोल डीजल के अलावा राजधानी दिल्ली में सीएनजी की कीमत भी 2.5 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ाकर 64.11 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। कई जिलों में सीएनजी की कीमत भी 75 रुपये किलो के पार पहुंच चुकी है। दूसरी सुर्खी सरहद पार से है। पाकिस्तान में पनपे पॉलिटिकल क्राइसिस का मामला अब वहां की सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। मामले की सुनवाई करते हुए आज पाक सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया। विपक्ष के नेता चाहते हैं इमरान खान सदन में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करें। इसके उलट पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में रविवार को 5 मिनट के अंदर इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। तेजी दिखाते हुए इमरान ने संसद भंग किए जाने की मांग की, राष्ट्रपति ने भी सहमति दे दी, भंग कर दिया, और तब से विपक्ष का हंगामा जारी है। इमरान लगातार इसे अपने खिलाफ विदेशी साजिश बता रहे हैं। अब अपडेट ये कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने पूर्व CJP न्यायमूर्ति गुलजार अहमद को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया। कैबिनेट सचिवालय ने तत्काल प्रभाव से इमरान को पद से हटाने का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन राष्ट्रपति RF अलवी की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार इमरान खान कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अब इसके बाद बहुत कुछ कल होने वाली सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर निर्भर करेगा। तीसरी सुर्खी पड़ोसी देश श्रीलंका से है। श्रीलंका में उपजे आर्थिक संकट के बीच लगातार सड़कों पर लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी कोलंबो में कई बार प्रदर्शन शांतिपूर्वक चलते हैं, कई बार हिंसक होते हैं। आज भी पुलिस को आंसू गैस के गोले इस्तेमाल करने पड़े। विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए श्रीलंका में इमरजेंसी लगी है। सोशल मीडिया पर भी पाबंदी है।
लोक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यानी गोतबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे का इस्तीफा मांग रहे हैं। इस बीच कल रात श्रीलंका की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति गोतबाया ने सोमवार को चार नए मंत्रियों को पद की शपथ भी दिलवा दी। इससे पहले राष्ट्रपति ने अपने भाई बैसिल राजपक्षे को भी वित्त मंत्री के पद से हटा दिया। ये किस देश में होगा, तीन भाई हैं, एक राष्ट्रपति है, एक प्रधानमंत्री है और तीसरा वित्त मंत्री है। और क्या हुआ, सरकार की तरफ से विपक्ष को साझा सरकार में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया, लेकिन विपक्ष राजी नहीं है और आम लोग घटनाक्रम को नाटक बता रहे हैं। कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर हजारों की संख्या में लोग उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। इंडिया टुडे ग्रुप के संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों से बात की, सुनिए। बहुत बहुत महंगा है, अगर तुम दूध को देखो 1,650 रुपीज, एक बच्चे के लिए हम दूध भी नहीं ले सकते, दूध भी नहीं है, और सोचो फ्यूल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी 13 आवर्स कट है। अगर तुम जाके देखो बहुत सारे लोग उन लोगों का नॉर्मल वर्क कर नहीं सकते क्योंकि 13 आवर पावर कट कौन सी देश में होता है। बहुत खर्चा हो रहा है, मतलब बहुत बोल भी नहीं सकते हो क्योंकि अगर हम बोल देंगे तो मिलिट्री पुलिस हमारे घर पे आके हमें ऐसे साइलेंट करता है कि नहीं बात कर सकते। कल देखो हमारा सब सोशल मीडिया सब बैन हुआ था, कुछ नहीं बोला था किसी ने। प्रदर्शनों के बीच वहां की आर्थिक स्थिति वाकई बहुत खराब है। खाने पीने के जरूरी सामान के अलावा आलू प्याज जैसी बेसिक चीजों के दाम भी 300-400 श्रीलंकन रुपए तक हो गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कोलंबो की एक सब्जी मंडी में ले आए हैं, जाहिर है अलग अलग इलाकों से जो सब्जियां बल्क में आती हैं सबसे पहले यहीं आती हैं। तो आप सब्जियों की कीमत ये देखिए, टैमरिंड इमली है 400 रुपए प्रति किलो का बोर्ड लगाया गया है। अब गार्लिक खाने में जरूरी होता है, 250 ग्राम के लिए आपको 180 रुपए की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसी तरह ये आलू है, आधा किलो के लिए 160 रुपए, आप समझ सकते हैं प्रति किलो की कीमत 300 रुपए से ज्यादा प्रति किलो आपको आलू के लिए, और उसी तरह प्याज के लिए भी आधा किलो के लिए 120 रुपए आपको चुकाने पड़ते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इससे हालात किस कदर यहाँ पर खराब हुए पड़े हैं कि 200-300 रुपए किलो में अगर आप आलू और प्याज खरीद रहे हैं, और उसी तरह दूसरी सब्जियां। हालांकि श्रीलंका में कई सारे फलों का उत्पादन होता है तो जो फल हैं उनकी कीमतों में उतनी बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन जो दिक्कत है वो सप्लाई की है क्योंकि डीजल नहीं है तो फल बहुत ज्यादा मंडियों तक नहीं पहुंच पाते, और जाहिर है मंडियों में कई बार बिजली की दिक्कत है, ऐसे में फल और सब्जियां खराब हो जाती हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान पर आप तफसील से जानकारी चाहते हैं तो आज का दुनियादारी जरूर देखें, बल्कि रोज ही देखा करें, दुनिया भर की खबरें मिलती हैं। चौथी सुर्खी संसद से है। 1980 में स्थापना के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी सांसदों की संख्या राज्यसभा में 100 को पार कर गई। साल 1990 के बाद बीजेपी पहली पार्टी है जिसने 100 के आंकड़े को छुआ है। इससे पहले कांग्रेस के सांसद 100 के पार गए थे, साल था 1990, तब राज्यसभा में कांग्रेस के 108 सांसद हुआ करते थे। राज्यसभा की ओर से आधिकारिक रूप से सूचना दी गई, बीजेपी ने राज्यसभा की 3 सीटों पर और जीत दर्ज की, एक असम, एक त्रिपुरा और एक नागालैंड की सीट। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी थी तब बीजेपी के 55 सदस्य थे, अब ये संख्या 101 है। हालांकि अब भी बीजेपी के पास राज्यसभा में अपने दम पर बहुमत नहीं है, 245 सदस्यों वाले सदन में बहुमत के लिए 123 की संख्या जरूरी है। दूसरी तरफ कांग्रेस, इसके सदस्यों की संख्या घटकर 30 हो गई। पंजाब की 5 सीटें जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के सदस्यों की संख्या 8 हो चुकी है। आने वाले दिनों में राज्यसभा की 52 सीटों पर चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड और यूपी से नए राज्यसभा सांसद चुने जाने हैं। आखिरी सुर्खी यूपी से है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज कानपुर देहात के पड़ोसी जिले औरैया के डीएम सुनील वर्मा को सस्पेंड कर दिया। 2013 बैच के आईएएस सुनील वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिल रही थी। निलंबन के बाद विभागीय जांच के साथ विजिलेंस की जांच भी बिठा दी गई। इससे पहले सोनभद्र के डीएम को सस्पेंड किया गया था। सोनभद्र जिले के डीएम टी के शिबू पर अवैध खनन के मामलों में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप थे, साथ ही चुनाव के दौरान भी लापरवाही बरतने का आरोप लगा था, जिसके बाद योगी सरकार की तरफ से उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था। गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को भी बीते दिनों सस्पेंड किया गया था। इन कार्रवाइयों के जरिए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ संदेश देने की कोशिश कर रही है। सुर्खियां यहां समाप्त होती हैं, आखिरी में आपको दिखाते हैं दिन का वीडियो। नहीं नहीं नहीं, मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूं, मेरी आवाज जरा ऊंचा है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है,
मैं कभी किसी को ना, मैं गुस्से होता हूँ कभी, कश्मीर का सवाल आता है तो हो जाता हूँ, बाकी गुस्से नहीं होता। घड़ी में 2:56 हो रहे थे, गृह मंत्री का इतना कहना भर था, पूरा सदन हंस पड़ा। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हुआ। दरअसल गृह मंत्री की तरफ से लोकसभा में दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक 2022 पेश किया गया। इस पर चर्चा के दौरान टीएमसी के सांसद ने कहा, यह बिल हमने देखा भी नहीं है। गृह मंत्री की तरफ से जवाब आया, अब सरकार में नहीं है इसलिए नहीं देखा, अभी सरकार बना रही है। गृह मंत्री की तरफ से कहा गया, दादा मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में। तब टीएमसी सांसद की तरफ से बोला गया, आप थोड़ा धीरे बोलें, आप दादा करके बोलते हैं तो डांट के बोलते हैं। और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने यह जवाब दिया था, जिसकी खूब चर्चा है। शो यहां पर समाप्त होता है। आखिरी में कुकी राय, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम रोजाना लल्लन टॉप शो से जुड़ा सवाल पूछते हैं, मेन थीम से जुड़ा। आज का सवाल क्या था? क्या आप एक ऐसी जगह पर उद्योग लगाना चाहेंगे जहां सांप्रदायिकता बहुत हो? हां कहने वाले 17%, नहीं कहने वाले 83%। अगर आप भी कूपर हमारे पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लल्लन टॉप को फॉलो करें। हम आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय भी मांगते रहेंगे। अपनी राय आप #LTShowOnCoo के नाम से भी कू कर सकते हैं, हम उसे शो में शामिल करेंगे। चलते चलते एक सूचना, लल्लन टॉप फिल्म्स की नई पेशकश, हमारी नई डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो चुकी है जिसका शीर्षक है होला मोहल्ला। होली के अगले दिन ये त्यौहार मनाया जाता है आनंदपुर साहिब में, पंजाब में, उस जगह जहां खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। होला मोहल्ला खालसा परंपरा के गौरव को याद करने और मनाने का उत्सव है। डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, हम टीजर यहां आपको दिखा देते हैं। हिंसक घोड़े के ऊपर सवारी करते हैं तो फिर वो मन के ऐसे आता है भी हम भी ये बाना पहने, सभी ऐसे लगता है भी जैसे ये बाने का हाड़ आ गया है। इस वक्त मैं पंजाब में हूँ, आनंदपुर साहिब। तो इसमें पंजाब के लोग बड़ी संख्या में जो आते हैं। हम होली से इतर, होली से अगले दिन होला मोहल्ला मनाया जाता है जहां पर मार्शल आर्ट्स होते हैं। होले मोहल्ला इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पंजाबी कल्चर, इट इज वन ऑफ द लेयर्स। ये वही जगह है जहां पर खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। गुरु गोविंद सिंह एक बहुत बड़े परिवर्तन को तसव्वुर कर रहे थे। औरंगजेब के हाथ में जो तलवार है वो अहंग की तलवार का प्रतीक है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह साहब ने जो कृपाण दी, किसी का हक छीनने के लिए नहीं, किसी का हक दिलाने के लिए। ये संदेश गुरु साहब का कि भाई जो रंग मैं दे रहा हूँ वो आध्यात्मिक रंग है, उसको उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का लल्लन टॉप शो यहीं पर खत्म होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। अरे जाओ जाओ, मैच तो हमें ही जीतना था। अपना बॉलर वो वाली गेंद ना फेंकता तो जीत जाते हम। वाओ, उसके कैच ने तो मैच ही बना दिया। यार ये ओपनर्स अगर थोड़ा और तेजी से खेलते ना बात बन जाती, एक फिनिशर की कमी पड़ गई वरना मैच जीत जाते। मैच तो हमें जीतना ही था। आप भी हैं लल्लन टॉप क्रिकेट एक्सपर्ट, घर बैठे जुड़िए हमारे IPL लाइव शो बम चक में हर रोज मैच के बाद।